ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग क्या करने के योग बना रहा है। षडाष्टक योग, षड यानी छठे आठवें, षट यानी छे, षड अष्टक, अष्ट यानी षडाष्टक, यानी षट छे छठे आठवें। शनि और मंगल एक दूसरे छठे आठवें हो गए हैं। कब होंगे? 10 मई को। 10 मई को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल करीब करीब 50 दिन तक कर्क राशि में चलेंगे। कर्क राशि में जब मंगल चलते हैं तो विशेष तौर पर मंगल हो जाते हैं कमजोर। और सिंह राशि वालों, एक बात समझो, आपके योग कारक ग्रह, हर कुंडली में कोई ना कोई योग कारक ग्रह होता है, और आपकी कुंडली में योग कारक जो ग्रह है वो मंगल ही है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है विशेष तौर पर कहां का स्वामी है? केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है। और ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी मंगल जो है आपका योग कारक है, सबसे शुभ ग्रह है, तो आपके इष्ट भी हनुमान जी बन जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये षडाष्टक जो योग है आपके लिए, मंगल सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है और मंगल कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, 12वें भाव में जाकर बैठ गए। मंगल 12वें भाव में आना एक तरह से कुंडली में बड़ी जान डाल देता है, लेकिन यहां तो कमजोर हो गया मंगल। कर्क राशि में होकर 12वें भाव में आए जा रहे हैं, और ये आपको डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। ये आप थोड़ा आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में रोने की आदत, छोटी छोटी बातों में मन ऐसे हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मैं ही हूं जो भगवान को मिलता हूं हमेशा, ये स्थिति आ सकती है। छोटी छोटी बातों में आप इस प्रकार का रुझान कर सकते हैं, हिम्मत हार सकते हैं। अरे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान कुछ नहीं कर ले वाले। आपके ग्रह योग, आपके कर्म के अनुसार से ही ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में फल देता है। आपके पुण्य यदि अच्छे हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एक सूत समझ लीजिए, भगवान अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलते। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है, याश्री स्वयं सुगतिराम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिद्याम मृदेश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। इसका मतलब समझ लीजिए कि भगवान जो महालक्ष्मी है, वो जो पुण्यवान है उनको महालक्ष्मी के रूप में प्राप्त होती है, जिन्होंने पुण्य नहीं किए हैं उनको अलक्ष्मी के रूप में प्राप्त होती है, जिन्होंने यश का काम किए हैं पुण्य अच्छे किए उनको कीर्ति के रूप में प्राप्त होती है। यदि आपने आपके पुण्य कम है तो भगवान तो महालक्ष्मी तो आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन अलक्ष्मी के रूप में प्राप्त हो रही है। तो यानी भगवान तो आपके साथ हैं, इस सूत्र को समझ कर यदि आप काम करेंगे, भगवान तो आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने कर्मों को यदि सही नहीं कर रहे हैं तब कहां से कष्ट, कैसे निवृत्ति होगी? तो इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने उदाहरण देते हैं, मैं शास्त्र का उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित किया। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये मंत्र आया है, याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिद्याम हृदय सुबुद्धि। यानी इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, जिन्होंने अच्छे पुण्य किए उनके सुबुद्धि के रूप में महालक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है। तो आप यदि कर्मों को ठीक करें, जिनके अलक्ष्मी के रूप में जिनके साथ विद्यमान है, यानी उन्होंने पुण्य में कहीं ना कहीं, कर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रखी है, भगवान ने तो कृपा कर रखी है, लेकिन आपके पुण्यों के हिसाब से आपके साथ भगवान का स्वरूप वो है जो आपने जिस प्रकार का बना रखा है। तो आपको अपने पुण्यों को ठीक करने का प्रयास करना है। ग्रहों की स्थिति, 10 मई से जो है मंगल का परिवर्तन जो है वो कर्क राशि में जो हो रहा है वो मंगल को क्षीण कर देगा, और आपके 12वें भाव में जाके मंगल बैठ जाएंगे, आपके योग कारक है। और फिर शनि महाराज जो आपके लिए बड़े शुभ स्थिति में चल रहे हैं, आपके सामने कर्क जो कुंभ राशि में चल रहे हैं उन पर दृष्टिपात करेंगे, और वो आपके जीवन साथी का भाव है। ये षडाष्टक योग आपके जीवन में युद्ध की स्थिति ला सकता है, अशांति स्थिति पर ला सकता है, कष्ट कर सकता है। यानी विशेष तौर पर समझ लीजिए, ये स्थिति 10 मई से लेकर 30 मई तक विराजमान है, और इसके साथ साथ एक और योग बन जाएगा, 19 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। ये विशेष तौर पर और थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे देंगे। इतना सुंदर आपकी राशि में जो योग बना हुआ है, इस वक्त बृहस्पति महाराज इतने सुंदर होकर पूरे 12 वर्ष बाद आपके लिए आए हैं, अपॉर्चुनिटीज भर के लाए हैं, भाग्य आपके साथ खड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं करोगे तो सब आप खत्म कर दोगे। हिम्मत को रख जगाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा चीजों को, शांत होना पड़ेगा, अशांति का भाव मत लाइएगा। मंगल अशांति स्थिति लाएंगे, क्योंकि जब आप व्यक्ति अपने बस में नहीं रहता ना, अशांत कब होता है व्यक्ति? अशांत कब होता है? या तो अति उत्साहित हो या उसके बस में कुछ ना हो रहा हो, तो फिर एक ही चीज निकलती है, फ्रस्ट्रेशन, और ये वही स्थिति बनाने वाला है।
फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करने वाला है, योग बनने वाला है। ये डर नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जो स्थिति है वो बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग कहेंगे, मुझे पता है कमेंट आने वाले हैं लगा के दबा के लोगों के, कि भैया पंडित जी तो कुछ काम ही नहीं है, पंडित जी डराते हैं। अरे भैया ग्रहों की स्थिति है, मैं अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर आप फिर फायदा समझ क्या है। अभी कुछ दिन पहले जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया, वो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मैंने उनको बता दिया उनकी कुंडली, भैया केमद्रम योग है, जाओ पढ़ लो, उसको ठीक करने का प्रयास करो, अपने पैसों को छन्नी मत बनाओ, दरिद्र योग है कुंडली के अंदर, पैसे आया यदि दिखाओगे लोगों को लोग लूट के ले जाएंगे, तो उठा के छुपा के रखो, इसका उपाय करो। आपको पूजा करने से तो पैसे बचेंगे नहीं ना, तो उसके लिए तो बुद्धि का उपयोग करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वो अब रोने लगे कि पंडित जी ने डरा दिया के मुद्रम। अरे भैया जो है तो मैं सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये ठीक कर लो। तो डराने की मेरा कोई स्थिति नहीं है, और डरा के मुझे क्या दे दोगे आप, ना मैं क्या ले लूंगा, ना तो मुझे आवश्यकता आपसे कुछ लेने की। तो मैं तो जो स्थिति है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सिंह राशि वालों, ये ग्रहों का योग जो बन रहा है ये इस प्रकार समझ लीजिए। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, देखिए परमात्मा ने हर जगह रास्ते बना रखे हैं, जो बुद्धिमान है ज्ञानवान है वो उसका रास्ता निकाल लेते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग ज्ञानवान रास्ता निकाल लेते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, और हमारे शास्त्रों के महत्व को समझते हुए यदि हम समझ लें। किसी भी प्रकार की समस्या, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं, तुलसी बाबा ने सुंदर वर्णन किया। तो कोशिश ये करें, हम आपको सूत्र दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं दावा करता हूं किसी भी YouTube चैनल वाले ने या किसी भी लोग ने इस चीज को समझा होगा। मैंने जन्मपत्री इस अध्ययन करते हुए, इस पंचांग को अध्ययन करते हुए सूत्र निकाले विशेष तौर पर कि इस स्थिति को ठीक कैसे किया जाए। अब क्या मंगल की स्थिति खराब है, और मंगल को ठीक करने की स्थिति कैसे होगी। ज्येष्ठ मास चल रहा है, ज्येष्ठ में जो मंगल आते हैं उन मंगलवारों को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। विशेष तौर पे भीम को जब अहंकार उत्पन्न हुआ, समस्त जगह लोगों को आह्वान करने जा रहे थे कि आप आइए हमारे साथ युद्ध करने के लिए, तो बहुत कम लोग साथ में आ रहे थे, वहां कौरवों की सेना बढ़ती चली जा रही थी, तब रास्ते में हनुमान जी मिले उनको, वो पहचान नहीं पाए। तो बुढ़वा मंगल जो होते हैं, हनुमान जी ने विशेष तौर पे भीम के अहंकार को दूर करने के लिए वो सुंदर रचना रची, और कहा जाता है कि जो जो बुढ़वा मंगलवार के दिन ज्येष्ठ में चार पांच जब भी मंगलवार पर जितने पड़े वो सब बुढ़वा मंगल माने जाते हैं, और उसमें हनुमान जी की आराधना करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मंगल ऐसे में ज्येष्ठ के महीने में ही शीर्ण अवस्था में आ रहे हैं, इस बार कमजोर स्थिति में हो रहे हैं, और ज्येष्ठ के महीने में ही मंगल को स्थिति ठीक करने के लिए बुढ़वा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से ठीक हो जाएगा। इस बार तो और सुंदर स्थिति बन रही है, मंगलवार का जन्मदिन यानी मंगल का जन्मदिवस भी उपस्थित हो रहा है इन ज्येष्ठ के महीने में दो बार। अंगारक चतुर्थी पड़ रही है, आप यदि पंचांग को बुद्धि से देखेंगे दिखाई दे जाएगा, अंगारक चतुर्थी दो बार 9 मई को पड़ रही है और साथ साथ 23 मई को पड़ रही है। मंगल कौन है, मंगल जो है वो विशेष तौर पर वीरभद्र है, शिव के पसीने से उत्पन्न हुए, जो पसीना शिव का पृथ्वी पर पड़ा और उन्होंने जब क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया कि जाके दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो, सती माँ को लेके आओ, सती माँ का शरीर जब वो लेके आया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ मंगल के रूप में सौरमंडल में स्थित हो। उस दिन से वीरभद्र मंगल हो गए, उनका जन्मदिवस है अंगारक चतुर्थी। ये अंगारक चतुर्थी में मंगल का संबंध, और सुन लीजिए, शनि जयंती पड़ रही है मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ, शनि जयंती जो पड़ रही है वो पड़ रही है 19 मई की ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का हमें अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि शनि को ठीक करने के लिए खासतौर पर तेल चढ़ाने की व्यवस्था लोगों ने पता नहीं कहां से चालू कर दी, तेल चढ़ाओ शनि पर, तेल चढ़ाओ शनि पर, और तेल चढ़ा चढ़ा के लोगों ने पीपल के पेड़ के साथ हनुमान जी की मूर्ति, विशेष तौर पर शनि की मूर्ति स्थित कर दी, पीपल के पेड़ को भी सुखा दिया। प्राकृति की ह्रास करने के लिए तो कोई स्थिति नहीं बनाई भैया, तेल चढ़ाओगे तो कोशिश करें ये स्थिति ना ठीक करें। पता नहीं आधुनिक कलिकाल में कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे उपाय निकाल दिए हैं, शास्त्र में वर्णित है ही नहीं ये उपाय। पिप्पलाद की पूजा करने की उपासना शास्त्र में बदी गई है, आपको तो खास तौर पर एक उपाय कर लेना चाहिए। पिप्पलाद ऋषि की कथा सुनो, पिप्पलाद ऋषि ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है जो भविष्य पुराण के अंदर कथा आई है, उसका पाठ कर लेने मात्र से कहा जाता है कि शनि के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। ये कथा का भी आयोजन हम आश्रम पे करने जा रहे हैं 19 मई के दिन, पिप्पलाद की ऋषि की कथा, और पिप्पलाद के मंत्र से हवन भी होगा, आप भी कर सकते हो। पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का हवन कर लीजिए, पिप्पलादाय स्वाहा,
इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा आहुति प्रदान कर दीजिए, 108 आहुति प्रदान करें, देखें शनि का प्रभाव भी ठीक हो जाएगा और मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा। देखिए हमने अपने आश्रम पे इन सब स्थितियों में शनि जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर लीजिए, आप मंगल के जन्मदिवस के दिन जो अंगारक चतुर्थी पड़ेगी इसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिए इससे सुंदर उपाय नहीं मिलने वाला, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने ये सारी सब संयोजन कर पूरे समस्त चारों बुढ़वा मंगलवार पर हमने आश्रम पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ रखा है और विशेष तौर पर हनुमान जी के मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से आहुति प्रदान कर सकते हैं, आपके कष्ट दूर होंगे, इससे सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित नहीं है। कुछ लोग अनेक प्रकार के उपाय लाखों रुपए खर्च करवा के उपाय करवा देते हैं, नहीं जरूरत हनुमान जी को भगवान को आपके पैसों की, आप उनकी चीज उन्हीं को अर्पित करने का प्रयास करते हैं, आप अपने श्रम को अपने कर्म को समर्पित करने का प्रयास करिए। हनुमान चालीसा में इसका सूत्र उपस्थित है, हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है और देवता चित्त न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही, और देवता चित्त न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही, फिर क्या जरूरत है, और देवता नहीं प्रसन्न होंगे, केवल हनुमान जी ही आपके समस्त मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं इस कलिकाल के अंदर। तो देखिए इस सुंदर योग में हनुमान जी को ताकत दीजिए, मंगल हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, मंगल अपने आप सुधर जाएंगे, कष्ट नहीं, तो ये जो 50 दिन है कष्ट पहुंचाने के, इसके बाद भी शनि मंगल का टकराव होगा, वो 50 दिन और चलेगा, सिंह जब सिंह के बाद विशेषतौर पर सिंह में आ जाएंगे कर्क से निकलकर, तो वो ये जो आने वाले जो महीने हैं विशेषतौर पर ये शनि और मंगल की युति जो है किसी प्रकार भी अनिष्ट ना करें, आपके बृहस्पति को खराब ना करें, बृहस्पति इतनी सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहे हैं, तो कोशिश करें इन उपायों को कर लीजिए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ, देखिए कष्ट दूर होंगे और साथ साथ हनुमान आगे और हनुमान चालीसा में एक बात लिखी है, मैंने कई वीडियोज में बताई है वो बात, आपको भी बता देता हूं, तुलसी बाबा ने लिखा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, उसके बाद जवाब में लिखा प्रश्न पूछा ना कि हे प्रभु जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, बाद में लिखते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई, कुछ है मध्य विद्वान जिन्होंने शत को भी सात बना दिया, अरे सात बार ही कर लो भैया, वहां शत है, शत शत यानी सौ, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई, हमने शनि जयंती के दिन अपने आश्रम पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं और बहुत लंबे समय से रखते हैं, तो कोशिश करें 100 पाठ हनुमान चालीसा में उसमें भाग लें, 8 से 9 घंटे लगते हैं, बड़ा आनंद रहता है, छाती से आवाज आती है बिल्कुल और गला बैठ जाता है लगातार, और आखिरी के 10 पाठ जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे रोमांचित कर देते हैं कि साक्षात हनुमान जी सामने कृपा करने के योग बनाते हैं। तो आशा करते हैं आप भी इस सुंदर उत्सव में भाग लेकर आप अपने इन कष्ट के भयावह योग को ठीक करेंगे, और ये सुंदर रास्ता मैंने आपको बताया है शास्त्रोक्त कथाओं के माध्यम से बताया है। देखिए एक बहुत सुंदर कथा और बता देता हूं चलते चलते जब कोई हनुमान जी जब गए लंका में भगवान की आज्ञा से, तो ये सोच के नहीं गए थे अरे वहां तो पता नहीं कैसे जाऊंगा, लंका निश्चरण्य कर निवासा यहां कहां सज्जन करवासा, भगवान ने सोचा भी नहीं था कि भगवान ने हनुमान जी ने कि वहां पहले ही भगवान ने कोई रास्ता बन रखा होगा और वहां पर विभीषण बिठा रखा था भगवान ने पहले ही, तो जहां पर गए और विभीषण ने समस्त रास्ता उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कार्य करो, और रास्ता बिल्कुल माता सीता के पास उन्होंने ही पहुंचाया उनको, तो भगवान ने हर जगह रास्ते बना रखे हैं, तो ये प्राप्रकृति ने जो सुंदर रास्ते पहले ही बना के रखे हुए ग्रह कष्टों को दूर करने के लिए, बुद्धिमान ज्ञानवान लोग इसका लाभ ले लेते हैं और जो अज्ञानी है वो अहंकार में पड़े रहते हैं, अज्ञानता में पड़े रहते हैं, अज्ञानता को त्यागिए, ज्ञान को संभालिए और कोई विशेष तौर पर इन उपायों करके कष्ट दूर होंगे, अवश्य कल्याण होगा। धन्यवाद।